दिल्ली में G20 सम्मेलन के मद्देनजर सुरक्षा के बेहद खास इंतजाम किए जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस के जवानों को G20 की सुरक्षा के लिए हर तरह के हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। तस्वीरें नजफगढ़ के पास झड़ौदा कला दिल्ली पुलिस एकेडमी की हैं, जहां G20 की सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस के इन कमांडोज को पिछले 3 महीने से स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही है। इस बैच में शामिल महिला और पुरुष कमांडो को सभी तरह के हथियार चलाने की स्पेशल ट्रेनिंग दी गई। इमरजेंसी में रस्सी के जरिए हेलीकॉप्टर से किसी भी बिल्डिंग पर उतरने की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। काफी हाइट पर आपको चॉपर दिखाई देगा और उसके बाद देखिए किस तरीके से जो दिल्ली पुलिस के कमांडोज हैं वो रस्सी की मदद से इन चॉपर से उतरते हुए साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। और ये तकरीबन 181 के करीब ये जवान हैं दूसरे दस्ते में, जिनमें महिला कमांडोज भी मौजूद हैं, सब इंस्पेक्टर रैंक की महिला कमांडोज हैं। और ये देखिए किस तरीके से ये तमाम कमांडोज इस वक्त हेलीकॉप्टर से रस्सी की मदद से यहाँ पर 12 मीटर की ऊंचाई से नीचे उतरते हुए साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। तो कहा जा सकता है कि दिल्ली पुलिस इस वक्त पूरे तरीके से G20 समिट को लेकर जो ट्रेनिंग दी गई थी अपने उनके कमांडोज को, वो कमांडोज इस वक्त G20 में अपनी ड्यूटी निभाने के लिए पूरे तरीके से यहां पर तैयार हैं। और दिल्ली पुलिस ने G20 की सुरक्षा के लिए 1000 जवानों को विशेष ट्रेनिंग दी है। इन कमांडोज को 3 महीने तक दिन और रात के समय स्पेशल ट्रेनिंग दी गई। अपने अदम में साहस और शौर्य का परिचय देते हुए दिल्ली पुलिस के जवान इस वक्त साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। देखिए किस तरीके से G20 के लिए विशेष तौर पर दिल्ली पुलिस ने अपने कमांडोज का एक दस्ता तैयार किया है, जिसमें तकरीबन 1000 कमांडो हैं। और ये दूसरा दस्ता है 181 कमांडोज का। और देखिए किस तरीके से इन्हें BSF के चॉपर से स्लाइडिंग करते हुए साफ तौर पर देखा जा सकता है कि अगर कोई भी आपातकालीन स्थिति पैदा होती है, होस्टेज जैसी स्थिति पैदा होती है, तो उसमें कैसे दिल्ली पुलिस के जवानों को चॉपर से रस्सी के सहारे किसी भी इमारत के ऊपर उतारा जाएगा ताकि उस स्थिति से निपटने के लिए इनका इस्तेमाल किया जा सके। तकरीबन 3 महीने की कड़ी ट्रेनिंग दिल्ली पुलिस ने अपने कमांडोज को दी है। हाँ, उनको हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी गई है। हर अत्याधुनिक हथियार वो चला सकते हैं, दिन में भी फायरिंग कर सकते हैं, रात को भी फायरिंग कर सकते हैं। इसके अलावा उनको बहुत ही टफ एक्सरसाइज सिखाई गई है जो कि नॉर्मल ट्रेनिंग में नहीं होती हैं। और G20 के आयोजन के दौरान हेलीकॉप्टर्स भी अलर्ट मोड पर रहेंगे। हेलीकॉप्टर में कमांडो के लिए किस तरह के खास इंतजाम किए गए हैं, बता रहे हैं TV9 संवाददाता जितेंद्र शर्मा। इस वक्त हम BSF के MI-17 चॉपर के अंदर मौजूद है। और ये देखिए ये वो चॉपर है जिसे दिल्ली पुलिस के कमांडो ने अब से कुछ देर पहले ट्रेनिंग ली है। और ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर 2 ग्रुप्स में दिल्ली पुलिस के जो कमांडोज हैं उनको इस चॉपर के अंदर बैठाया गया। उसके बाद उन्हें कैसे एयर ड्रॉप होना है, यानी कि कैसे स्लाइडिंग करनी है, वो उनको यहाँ पर सिखाई गई। ये देखिए ये सीट्स हैं और इन सीट पर इन बेल्ट के जरिए यहाँ पर सीट बेल्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर उनको बिठाया गया और उसके बाद फॉर्मेशन में उनको खड़ा किया गया और ठीक यहाँ पर रस्सी के सहारे उनको कैसे एयर ड्रॉप होना है वो उनको यहाँ पर ट्रेनिंग दी गई। और ये देखिए अक्सर इस तरीके का जो एयर ड्रॉप होता है या फिर कहें स्लाइडिंग होती है, इसी चॉपर MI-17 का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी ट्रेनिंग आज दिल्ली पुलिस ने अपने कमांडोज को दी है। और तकरीबन 181 कमांडोज थे, दूसरा दस्ता था कमांडोज का ये, और इससे पहले तकरीबन 640 कमांडोज को इस तरीके की ट्रेनिंग दी गई। और खास बात यह है कि इन 800 कमांडोज में तकरीबन 160 महिला कमांडो हैं, यानी कि जो रेशियो है महिलाओं का इस दस्ते के अंदर वो भी बेहद ज्यादा है। तो कहा जा सकता है कि दिल्ली पुलिस का अब ये जो कमांडो दस्ता है G20 में अपनी भूमिका अदा करने के लिए पूरे तरीके से तैयार है। G20 की सुरक्षा में तैनात होने जा रही महिला कमांडो को किस तरह की ट्रेनिंग दी गई है, आइए जानते हैं। अपने अदम्य साहस और शौर्य का परिचय देते हुए दिल्ली पुलिस का जो महिला दस्ता है कमांडो उसका, वो इस वक्त G20 में अपनी भूमिका अदा करने के लिए पूरे तरीके से तैयार है। ये देखिए ये महिला कमांडोज हैं जिनको G20 को लेकर स्पेशल तौर पर तैयार यहाँ पर किया गया है। नाम क्या है आपका? कमांडो प्रिया सर। प्रिया जी, किस तरीके की ट्रेनिंग आप लोगों को दी गई? हर तरीके से मेंटली और फिजिकली अच्छे से हमें ट्रेन किया गया है। हाउ टू टैकल ए सिचुएशन, कितनी भी हार्ड वो सिचुएशन हो या फिर हम गेस्ट को हम कैसे अटेंड करेंगे पोलाइटली, हर तरीके से हमें लैंग्वेज कोर्स भी दिया गया है, टफ ट्रेनिंग भी दी गई है और हर तरीके के वेपन के साथ हमें ट्रेन किया गया है, वेदर इट इज़ शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज। किसी आपात स्थिति से कैसे निपटा जाए उसकी ट्रेनिंग आप लोगों को दी गई? यस सर, हमने एडवेंचर ट्रेनिंग भी ली है, जैसे अभी आज ही हेलीकॉप्टर से जंप का किया है हमने, एडवेंचर बोल से वो भी जंप पहले हमने प्रैक्टिस की,
जैसे अभी ऐसी जैसे G20 का माहौल चल रहा है पूरी कंट्री में, तो सिक्योरिटी पर्पज़ को लेके हमने हादसा ट्रेनिंग ली भी है सर और ट्रेनिंग को दी भी है। दिल्ली में G20 सम्मेलन 9 से 10 सितंबर को होना है, लेकिन विदेशी मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला 8 सितंबर को ही शुरू हो जाएगा। इस भव्य आयोजन के लिए दिल्ली को किस तरह से सजाया जा रहा है, एक नजर डालते हैं। G20 का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली जिले के प्रगति मैदान के कन्वेंशन सेंटर भारत मंडपम में आयोजित किया जाना है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन इस वेन्यू के सबसे नजदीक है, जिसकी सजावट G20 के थीम पर जोरों शोरों से की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर कई विशेष तैयारियां की गई है। पूरे मेट्रो स्टेशन को सजाया गया है G20 के लिए विशेष रूप से। सबसे पहले हम आपको तस्वीर दिखाते हैं, सामने दीवार पर आप देख सकते हैं कि जितने भी सम्मेलन में भाग लेने वाले देश हैं, सबके मानचित्र आपको दिखाई देंगे। नई दिल्ली की सड़कों और दीवारों को G20 के थीम से रंगा जा रहा है। यहाँ हर तरफ G20 के होर्डिंग्स, बैनर्स और कटआउट्स नजर आ रहे हैं। विकास मार्ग पर इस वक्त हम मौजूद हैं और G20 के रंग में आपको सड़कें भी अब दिल्ली की रंगती हुई दिखाई देंगी। इस तरह के स्टिकर पेंट जो है वो विकास मार्ग पर 1 किलोमीटर के स्ट्रेच में 4 से 5 जगह पर लगाए गए हैं। G20 का आयोजन भले ही नई दिल्ली में हो रहा है, लेकिन तैयारियां पूरी दिल्ली में की जा रही हैं। अब दिल्ली के लक्ष्मीनगर इलाके को देखिए, जहां G20 की थीम में मेट्रो स्टेशन के साथ साथ सड़कों को भी रंगा जा चुका है। और दिल्ली के 5 सितारा होटल ली मेरिडियन में G20 में शामिल होने आ रहे 5 देशों के प्रतिनिधि पहुंचेंगे और उनके लिए स्पेशल लिट्टी चोखा का इंतजाम किया गया। देखिए TV9 संवाददाता कुमार कुंदन की रिपोर्ट। नॉर्थ इंडिया का फेमस लिट्टी चोखा अब लोगों में तेजी से पॉपुलर होता जा रहा है। इसी को देखते हुए दिल्ली के ली मेरिडियन होटल में G20 के मेहमानों के लिए अलग अलग राज्यों के खास पकवानों को परोसा जाएगा, जिसमें लिट्टी चोखा भी शामिल है। राजस्थान से हमने गट्टा करी उठाई है, बिहार से लिट्टी चोखा उठाया है, कश्मीर से गुच्छी मटर उठाया है और भी काफी चीजें हैं जो पाइपलाइन में है। आपको लगता है कि बिहार का लिट्टी चोखा अब इंटरनेशनल होने जा रहा है एक तरीके से? आप कह सकते हैं इंटरनेशनल होने जा रहा है, क्योंकि ये काफ़ी लुप्त रेसिपी है एक, जो मतलब लोग ज़्यादा नहीं एक्सप्लोर कर पाते हैं। पर हाँ, अभी आजकल क्या है कि ज़माना वापस आ रहा है और लोग ये चीज़ें ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं। तो क्या क्या इसमें आपने इंग्रेडिएंट्स जो है डाला है, कैसे कैसे? सर इसमें क्या बोलते हैं, हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक लिट्टी और एक चोखा। तो लिट्टी बनाने के लिए हम पहले एक डो लेते हैं। डो के लिए हम आटा, अजवाइन और गर्म पानी, उसमें हम डो बनाते हैं और घी में।